बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.2। तो 7.2 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ द डॉट्स व्हेन टू फेयर डाइस आर थ्रोन। अगर हम दो चक के पेंग दे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप बना दे। ये बी सेक्शन को हम बाद में आते हैं, बी सेक्शन इसके बाद पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन शुरू कर दिया है। तो अब आप लोगों का काम है कि इसके बारे में सोचना होगा कि अब रैंडम वेरिएबल कितने पॉसिबल है। तो देखिए, लेट आप यहाँ से शुरू करेंगे, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ डॉट्स विच अपीयर ऑन द डाइस, देन द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल आर 2, 3, 4 अप टू 12। यह हमने तफसीलन पढ़ लिया है कि अगर हम दो चक्के पेंग दें तो सम ऑफ डॉट्स, यहाँ पर हमने पढ़ लिया था कि तो कम से कम इसका रैंडम वेरिएबल की कीमत 2 होगी और सबसे ज़्यादा जो होगी वो 12 होगी। क्यों? चक्के पर यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, तो 1+1 2 आ जाएगा, फिर 2+1 3 आ जाएगा। इस तरह करते करते इस तरह हमने इससे पहले वाला पढ़ा था, तो मेरे ख्याल में इसको भी साथ में अगर हम लगा सकते हैं तो अच्छी बात होगी। अब इसको आप देखें, हमने दो चक्के, इफ टू फेयर डाइस आर थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस वन। तो ये कि हमने दो चक्के फेंक दिए हैं तो इसका सैंपल स्पेस इस तरह बनेगा कि पहले चक्के पर 1 फिर 1 फिर 1 और 2। ये तफसील हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सम की, तो सम 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक सम आ सकते हैं। तो जो हमारे पास रेंडम वेरिएबल बनेंगे वो 2 से लेकर 12 तक आ सकते हैं। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वैल्यूज आर कंप्यूटेड एज बिलो। इसको हम इस तरह इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह करेंगे? तो पहले लिखेंगे f of 2 का मतलब है कि अगर डोमेन 2 है तो रेंज कितना आ जाएगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 अगर दो सम ऑफ डॉट जो है वो 2 आ रहा है, या 1 और 1 इस तरह आ रहा है। तो देखे इसमें टोटल उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ a डिवाइड बाय नंबर ऑफ s। तो यहाँ पर हमारे पास a जो है उसकी तादाद 1 है और नंबर ऑफ s की तादाद ये 36। 36 किस तरह आते हैं? तो 36 यहाँ पर 6 इसकी फेसिस है, तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, अगर 3 चक है तो 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 2, तो 6 × 6 = 36। तो नंबर ऑफ एस हमारे पास आ जाएंगे 36, 36 आएंगे क्योंकि दो चक्के हम पेंग रहे हैं। एक चक्का पेंगेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 की पावर 1, तो 6 आ जाएगा, 2 पेंगेंगे तो 6 की पावर 2, 36 आ जाएगा। तो देखे ये नंबर ऑफ ए है, ये नंबर ऑफ एस है, एस दियर इज ओनली 1 पॉइंट रिजल्टिंग इन अ सम ऑफ 2। अब अगर हमारे पास एक्स इक्वल टू 3 है, एक्स इक्वल टू 3 का मतलब है कि एक पर 2 डॉट है और दूसरे चक्के पर जो है वो 1 डॉट है, तो इसका सम 3 आ जाएगा। तो देखे इसकी 2 चांसेस है कि पहले चक्के पर 2 हो और दूसरे चक्के पर 1 हो, या पहले चक्के पर 1 हो और दूसरे चक्के पर 2 हो। तो देखे सम 3 के लिए हमारे पास 2 ये इसकी तादाद है, तो ये आ जाएगा 2/36। सम 4 के लिए हमारे पास आ जाएगा, अगर सम 4 है तो इसकी तादाद है 3/36। ये देखे 1 को 3 2 2, पॉसिबल आउटकम हम चेक करेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो ये टोटल आउटकम है और ये हमारे पास आ रहा है पॉसिबल आउटकम। तो ये तफसीलन हम पढ़ चुके थे, मगर बास स्टूडेंट कमजोर होते उसके लिए मैंने फिर इसको तफसीलन बता दिया है कि ऊपर जो होता है वो पॉसिबल आउटकम्स है और नीचे जो होता है वो टोटल आउटकम्स होते हैं। ये इसको नंबर ऑफ ए कहते हैं, इसको नंबर ऑफ एस कहते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप इजिली देख सकते हैं। सिमिलरली एफ ऑफ 5 4/36, तो टोटल पॉसिबिलिटी 36 आ रही है, इसमें 4, तो सम 5 आ रहा है। ये देखिए ये 5 आ रहे हैं, तो इसके 1 और 4 2 और 3 और 3 और 2 4 और 1, ये पॉसिबल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले चक्के पर 1 है, 4 है, दूसरे चक्के पर 1 है। यहाँ पर पहले चक्के पर 1 आ रहा है और दूसरे चक्के पर 4 डॉट आ रहा है। तो जब हम इसको गिन लेते हैं तो ये आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4/36। फिर सिमिलरली 5/36, ये आ जाएगा 6/36, 7 ये आ रहा है, ये इसकी तादाद आ रही है। जब हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 6/36, फिर एफ ऑफ 8 इक्वल टू 5/36 आ रहा है। एफ ऑफ 8 कितना आ रहा है? 5/36। तो देखें 8 के बाद जब हम सम 9 लेते हैं तो इसकी तादाद जो होती है वो फिर कम होती है। ये जो इसका डायगनल है इस पर सम जो है वो 8 आ रहा है और इसकी तादाद आ रही है 6, मगर डायगनल के बाद देखे अगर सम 9 आ रहा है
एफ ऑफ नाइन, सम नाइन है फिर 4/36 आता है, सम 8 है तो 5/36 आता है, कम हो रहा है, एक एक कम हो रहा है। तो देखिए सम अगर 8 आ रहा है तो देखिए जो डायगोनल पर है वो है 7, 6+1, ये देखिए 6+1, 5+2 और फिर जो है 4+3, 3+4, 2/2, ये सबसे लेती है। यानी सम अगर 7 है तो 6 पॉसिबिलिटी है, सम अगर 8 है तो 5 पॉसिबिलिटी है, सम अगर 9 है तो 4 पॉसिबिलिटी है, सम अगर 10 है तो 3 पॉसिबिलिटी है, सम अगर 11 है तो 2 पॉसिबिलिटी है, सम अगर 12 है तो 1/2 है। तो इस तरह आ जाएगा, सम अगर 12 आ रहा है तो 1/2 हुआ 36 आ रहे, क्योंकि पॉसिबिलिटी एक है। तो पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स है। इन सब डेटा को आप टेबल में लिख लेंगे तो इन दोनों टेबल को कहते हैं पीडी या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं कि इसका जनरल फॉर्म हम किस तरह लिखते हैं। जनरल फॉर्म आपने सोचना है कि नीचे तो आ जाएगा टोटल, ऊपर आ जाएगा 6 मंथली 7 मंथली x एब्सोल्यूट ऑफ 7 मंथली x। तो 7 मंथली x देखे, इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर दे तो यहाँ पर 1 आ रहा है। अगर हम x का 2 पुट करेंगे तो 2 मंथली 7 मंथली 2 5, तो 6 मंथली 1 5, तो आ जाएगा 1/36। अगर हम इसमें 3 पुट करेंगे तो 7 मंथली 3 4 आ जाएगा और 6 मंथली 4 आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2/36। ये एब्सोल्यूट इस वजह से लिखा है कि इधर से इंक्रीजिंग आ रहा है, इधर से भी डिक्रीजिंग आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, इस वजह से उसने ये एब्सोल्यूट वैल्यू डाली है। तो देखे अगर हम एक जगह अब 12 पुट करते, 12 तो 7 मंथली 12 आ जाएगा -5। अब -5 6 मंथली -5 क्यों चीज बन जाएगी, तो इस वजह से उसने एब्सोल्यूट लिया है कि अगर 7 मंथली 12 है, -5 उसका आंसर आ रहा है, तो 6 मंथली, फिर यहाँ पर एब्सोल्यूट से जो वैल्यू निकलती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 6 मंथली 5 आ जाएगा 1। तो एफ ऑफ 12 हमारे पास आ जाएगा 1/36। ये आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया है, किसके लिए, 2 चक्र के लिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ 8 और 11। तो यह ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पिछले पेजेस में हम पढ़ चुका था कि सम ऑफ 8 और 11, अगर हम 2 चक्के एट ए टाइम, ये देखिए ये सामने पड़ा है कि इफ 2 फेयर डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 or 11। तो देखिए आप लिख लेंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट द सम इज 8 और लेट बी बी द इवेंट दैट द सम इज 11। यहां पर देखिए ये ए और बी आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। क्यों, अगर 2 चक्के हम फेंकेंगे तो 8 आता है, तो ये 11 पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हम इसको कहते हैं, करें कि इवेंट हैपन होता है तो दूसरे पर इसका असर पड़ता है। यहाँ पर अगर सम 8 आ रहा है तो ये अलग चीज आ रही है, सम 11 आ रहा है तो ये अलग आ रही है, ये एक दूसरे पर डिपेंडिंग नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखे अगर हम घोड़े घोड़े घोड़ा घोड़ा घोड़े जो है हार्सिस जो है उसके वो देखे जो उसका रेस प्रोग्राम होता है उसमें जब घोड़े दौड़ते हैं तो एक घोड़ा दूसरे घोड़े पर डिपेंड हो रहा है। क्यों, अगर हॉर्स ए बी सी दौड़ रहे तो ए बी सी आपस में नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गए, क्योंकि अगर एक घोड़ा आगे आ रहा है तो दूसरा पीछे हो रहा है, इसको हम कहते हैं नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। ये यहाँ पर जो है सिक्के फेंकने में और यहाँ पर ये चीज जो है ये चक्के फेंकने में ये आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होती है। इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल 6/6 में हमने तफसीलन पढ़ा था, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/36 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/36 है, जब हम इसको जमा करेंगे तो आ जाएगा 7/36। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये है, द सम दैट इज ग्रेटर देन 8, तो आपके पास आ जाएगा वो रैंडम वेरिएबल जिसका सम 8 से ज्यादा है। तो जब 8 से ज्यादा है तो ये 9 भी पॉसिबल है, 10 भी पॉसिबल है, 11 भी पॉसिबल और 12 भी पॉसिबल, 8 इसमें शामिल नहीं है, 8 से बड़े, तो आप लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9। क्या मतलब है कि वो
सम ऑफ दोज डार्ट्स व्हिच आर ग्रेटर देन 8, तो वो 9 है, 10 है, 11 है और 12 है. 12 के बाद तो कोई चीज आना ही है. आगे तो आप लिखेंगे f of 9, f of 10, f of 11, f of 12 और इसकी वैल्यू डालेंगे इस क्वेश्चन में, और वो डालने के बाद आपके पास इसको जमा करेंगे. 36 आ रहा है, इसको 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1, 10 बटा हुआ 36 आ रहा है. अब जो चौथा पार्ट है वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ सम दैट इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन आर इक्वल टू 10. वो कहते हैं कि अगर सम 5 है या सम 5 है बट लेस देन, मगर छोटा है किस चीज से, इक्वल या लेस देन 10 है. तो देखे सम ऑफ डार्ट्स अगर 5 से बड़े हैं मगर 10 के बराबर या 10 से कम है, उसके लिए हमने सोचना होगा. अब इसमें 5 शामिल नहीं है और 10 शामिल है, तो आप लिख लेंगे 5 से बड़े तो 6, 7, 8, 9 और 10 भी इसमें शामिल है. f of 6, f of 7, f of 8, f of 9, f of 10 आप लिख लेंगे. इसकी वैल्यू आप डाल देंगे. वैल्यू डालने के बाद आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा और वो है 23 बटा हुआ 36. LCM ले ले, वो आसान क्वेश्चन है. तो मेरे ख्याल में इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है. अगर फिर भी आपको मसला है तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप ट्यूसडे के दिन आप पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह ट्यूसडे के दिन हम मिलेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.